इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं, आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं पीएम। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प कितने बड़े हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को सच करने वाली है। मैं बिना रिफाइनरी के विस्तारीकरण और अनेक नई सुविधाओं के शिलान्यास के लिए मध्य प्रदेश के कोटि कोटि जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हर देशवासी ने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए ये जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर हो। हमें विदेशों से कम चीजें बाहर से मंगानी पड़े। आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है, हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का मम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं, इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। इससे यहां नई नई इंडस्ट्री आएगी, यहां के किसानों, यहां के छोटे उद्यमियों को तो मदद मिलेगी ही, सबसे बड़ी बात है मेरे नौजवानों को रोजगार के भी हजारों मौके मिलने वाले हैं। आज के नए भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कायाकल्प हो रहा है। जैसे जैसे देश की जरूरतें बढ़ रही हैं, देश की जरूरतें बदल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आधुनिक बनाना उतना ही जरूरी है।
इसी सोच के साथ आज यहां इस कार्यक्रम में एमपी के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए आईटी पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है। यहां के नौजवान, यहां के किसान, यहां के छोटे छोटे उद्यमी, सभी की कमाई बढ़ेगी, सभी को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि पूरी पारदर्शिता से शासन चले, भ्रष्टाचार पर लगाम कसी रहे। यहां मध्य प्रदेश में आज की पीढ़ी को बहुत याद नहीं होगा, लेकिन एक वो भी दिन था जब मध्य प्रदेश की पहचान देश के सबसे खस्ता हाल राज्यों में हुआ करती थी। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक एमपी में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के सिवाय एमपी को कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया। वो जमाना था एमपी में अपराधियों का ही बोलबाला था, कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में आखिर मध्य प्रदेश में उद्योग कैसे लगते, कोई व्यापारी यहां आने की हिम्मत कैसे करता। आपने जब हम लोगों को सेवा का मौका दिया, हमारे साथियों को सेवा का मौका दिया, तो हमने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया है। हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई, यहां कानून व्यवस्था को स्थापित किया। पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद होगा कि कैसे कांग्रेस ने इसी बुंदेलखंड को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से तरसा कर रख दिया था। आज भाजपा सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है। जब यहां कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, यहां नई नई फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है अगले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाई छूने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आज का नया भारत बहुत तेजी से बदल रहा है।
आपको याद होगा लाल किले से मैंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। मुझे आज ये देखकर बहुत गर्व होता है कि भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और कोई भी देश जब ऐसा ठान लेता है तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। अभी अभी आपने इसकी एक तस्वीर G20 समिट के दौरान भी देखी है। गांव गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि भारत ने किस तरह G20 का सफल आयोजन किया है। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, बताएंगे ना, मुझे जवाब देंगे, हाथ ऊपर करके जवाब देंगे, वो पीछे वाले भी जवाब देंगे, सबके सब बोलेंगे। आप मुझे बताइए G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं है? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्यारे परिवारजनों, जो आपकी भावना है वो आज पूरे देश की भावना है। ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कर दिखाया? ये किसने कर दिखाया? जी नहीं, ये मोदी ने नहीं, ये आप सबने किया है। ये आपका सामर्थ्य है। 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है दोस्तों। ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है।